रेप पीड़िता धमकी से परेशान, एसपी से लगाई गुहार। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग रेप पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी ने पीड़िता को जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पीड़ित किशोरी की माने तो डेढ़ माह पूर्व घर में कोई नहीं था, तभी पड़ोस का रहने वाला शामू जो अकेला पाकर घर में घुसकर रेप की घटना को अंजाम दे डाला। किशोरी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी ने आरोपी को पकड़ा, जहां आरोपी के पिता ने आरोपी को लेकर चला गया। वहीं इस मामले में बिंदकी कोतवाली में पुलिस ने पहले छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता द्वारा कोर्ट में बयान होने के बाद पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आरोपी युवक शामू के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार पीड़ित परिवार को सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर आज पीड़ित किशोरी अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में न्याय का आश्वासन दिया है। कमरे में झाड़ू लगा रहे थे और क्या कहते हैं, छत से आया शामू कूद कर हमें पकड़ लिया और पीछे से और हमें जमीन में गिरा दिया, हमारे साथ में मतलब निकाल दिया और चिल्लाए, हमारा मुंह दबा रहा था। जब चिल्ला रहे थे, जब हमारे भाई साहब आए और गाँव के आदमी इकट्ठा हुए, तब श्यामू के पापा जी आए लिवाकर चले, श्यामू पकड़ कर लिवाकर चले गए। यहाँ आए थे एप्लीकेशन देने, किस लिए आए थे यहाँ कप्तान साहब के पास? एप्लीकेशन देने आए। काहे एप्लीकेशन देने आए थे? कोई सुनाई नहीं हो रही। गिरफ्तारी हुई उसकी? नहीं हुई। नहीं हुई? क्या धमकियाँ भी मिलती हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। कैसी धमकी देते हैं आपको? कह रहे थे सुलह हो जाओ नहीं हम कोई मार दें। और जब अप्लीकेशन लेके आए हैं, अप्लीकेशन दिया है, इसके बाद हमको धमकी दे रहे हैं मारने का, और मारने का नहीं है। इधर उधर वो बकते हैं कि सुलह हो जाओ, तो हम कहें कि सुलह हो जाए, हमारा कोर्ट से नहीं आया तो हम नहीं सुलह हो रहे हैं, कोई पकड़ता धकड़ता नहीं है उनको, बस ये चक्कर है साहब। हुआ क्या था चाचा? और बलात्कार हुआ हमारी लड़की के साथ में नहीं, तो वो उसी में नहीं, हम लोग दौड़े फिर रहे हैं, हमारी कुछ सुनाई नहीं हो रही। थाने गए थे, थाने में क्या कहा गया? थाने में एक अप्लीकेशन दे रहा है, भूख नहीं कुछ सुनाई हुई है। कब की घटना है ये? ये 12-13 की तारीख की, 12 तारीख को हुई थी, 13 को 12 का हम खजुआ चौकी दे दिया था, 13 को दिया आया तो था चौकी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनाई। आज कप्तान साहब से मिलने आए थे? आज कप्तान साहब से मिलने आए। क्या हुआ? अब हम दे आए होगा नहीं, जब क्या होगा क्या नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि साहब मुलजिम पकड़ा जाए।